जाना है, वो तब तक उसको आइसोलेशन में रखना है, ये सारी चीजें वो तो जेएलएन में होगा सब भाई। आप तो यहीं पे मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल अजमेर। निगम से रिलेटेड कोई और पॉइंट है, किसी को कुछ कहना है तो बता सकते हैं। क्या स्थिति है, मतलब जाम वाम तो नहीं है कोई? मेरे पास मशीनों की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं आपके, क्या क्या हो जेट और ये सब चीज लेके आए हैं, उसका इस्तेमाल करा लो, ठीक है? बाकी बड़े वाहन तो आपके पास काफी हैं, तो कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाले जगह में कुछ इस तरह की पूरा वो क्लियर किया जाए, मेन रोड दरगाह बाजार के अंदर जो दोनों तरफ दुकानें हैं। आपके फायर ब्रिगेड और वो छोटे वाले मोटरसाइकिल वाले सारे रेडी हैं? मैं कहीं उस तरफ उस समय तक और ज्यादा नहीं हो जाए तो इसके बारे में एक तो आपका जागरूकता भी, मतलब लोगों को पता रहे क्या क्या चीज करते, पर अभी थोड़ा स्पेशली रखे। और ये फॉगिंग हो जाए, फॉगिंग एक बार अभी कर, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, टायर विश्राम स्थली, ये जहाँ पे भी सबसे ज्यादा लोगों का मूवमेंट है। तो ये अपन लगाते थे, इस बार हमने टेंसाइल वाला यहाँ प्लान कर लिया, उसमें 15 फीट देगी, तो उस वाले अमाउंट को इन 17 में एडजस्ट किया है ना। इसके अलावा जो मेडिकल का यूनिट लगता है कर दिया है, साहब का कहना है वो हो नहीं रहा है। क्यों साहब? वो तो 98 में करा, 98 लैक्स का जब था तब भी बना था वो, तो चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो 808 वार्ड से उसकी प्रिपरेशन की जो मीटिंग थी प्रशासन के साथ, वो आज जो हमारे कलेक्टर साहब है उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसके अंदर दरगाह से जुड़े हुए और इस उर्स 808 उर्स से जुड़े हुए जो भी तमाम जो डिपार्टमेंट है यहाँ के, जो भी एजेंसीज है, उन सब की मीटिंग और उन सब के तमाम अधिकारी यहाँ पे आए थे। आज मीटिंग हुई, बहुत अच्छे माहौल में सब डिस्कशन हुआ, जो पिछले उर्स में जो कमियाँ थी उनको दुरुस्त किस तरीके से किया जाए, उन सब चीज़ों पे एक एक चीज़ पे डिस्कशन हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन, राज्य सरकार और भारत सरकार सब मिलके, और यहाँ पर जो है जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है, हमारे अंजुमन है, दीवान साहब के सभी नुमाइंदे, सब लोग मिलके और दरगाह कमेटी और प्रशासन मिलके इस 808वें उर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोग कराएंगे। उसकी आज ये मीटिंग हुई थी और आने वाले वक्त के अंदर जो जायरीन आएंगे उनके लिए किस तरीके से सुविधाएं की जाए, उन सब के लिए आज डिस्कशन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ 808वां उर्स बहुत बेहतर होगा, जो जायरीन यहाँ पे आएंगे पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से, उनके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। उसके लिए आज उसके अरेंजमेंट को लेकर आज ये मीटिंग थी और सब चीज़ें डिस्कशन हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से उर्स होगा, इसमें कोई कमियाँ नहीं रहेगी।